बोल रहे, अरे बाहुबली बन गए तुम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज संडे है एंड अभी टाइम हो रहा है 12:30 एंड यहाँ पे है राई, जो पढ़ाई भी नहीं कर रही है, जो अपना नेल्स कट कर रही है। तो आज संडे मैंने कुछ भी आज स्पेशल नहीं बनाया, और कितना स्पेशल बनाए। कभी कभी तो हम लोग को भी ऑफ लेना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग क्रिसमस ट्री लगाने वाले हैं एंड बाकी का जो क्रिसमस का डेकोरेशन है मेरे घर के लिए, वो सब कुछ मैं करने वाली हूँ। ओवर इट्स वेरी कोल्ड राइट। तो पहले से ही हम लोगों ने सोच लिया था कि संडे को वील गेट समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, एंड सुबह से मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो अभी धीरे धीरे मैं स्टार्ट करूँगी घर का यू नो अरेंजमेंट करना। एंड ये रहा साल का लास्ट डेकोरेशन, एंड इसी उम्मीद से मैं कर रही हूँ कि आई होप सो कि नेक्स्ट ईयर जब फिर से हमें डेकोरेट करूँ तब थिंग्स विल बी डिफरेंट। तो थोड़ा बहुत क्लीनिंग हम लोगों ने किया है एंड ये सब वासन और सब कुछ चेंज हो जाएगा। एंड हाँ, आप लोग सब लोग मुझसे जैसे बोल रहे थे ना कि पायल उसको फेंक दो, उसको फेंक दो, तो बहुत कोशिश करके आज मैंने उसको वो प्लांट को फुल निकाल लिया है। अभी तो ऐसा कैसा अजीब लग रहा है ना कि घास के ऊपर में ऑर्चिड, तो वो फुल निकल के आ गया है। नाउ आई नीड ए वास। मैं सोच रही हूँ अगर मैं कुछ ऐसा ग्लास का वास खरीद लूँ ना, एंड ऐसे स्टोन्स मिलते हैं ना लाइक बहुत सुंदर सुंदर जो स्टोन्स मिलते हैं, वो मैं अगर दे दूँ नीचे में, सो इट विल लुक क्वाइट नाइस। तो आप, क्योंकि आप लोग सब लोग बोल रहे थे, एंड ऐसा भी ना ऐसा टूटा हुआ कुछ भी घर में रखना नहीं चाहिए ना, तो मिशन सक्सेसफुल। एंड मिशन सक्सेसफुल क्या, शॉमिक को अभी तक भी कुछ भी पता नहीं चला। खत्म है, मुझे लगा क्योंकि हम लोग क्रिसमस का डेकोरेशन कर रहे हैं तो एक रेड कलर का ड्रेस मैं पहन ही लेती हूँ, एंड ऐसा ये मेरा एक ही ड्रेस रेड कलर का ड्रेस है। तो शॉमी खाना लाने गए हैं एंड फिर मैं सिर्फ राइस चढ़ाऊंगी। एंड हाँ, मेनी ऑफ यू हैव, मोस्ट ऑफ यू ओनली, आप सबको मेरा क्यू एंड ए बहुत पसंद आया। जो लोग ने नहीं देखा, यू कैन गो एंड वॉच इट। जनरली मैं सैटरडे संडे वीडियोज नहीं देती हूँ जैसे कि आप सबको पता है, पर मुझे लगा कि नहीं, दिसंबर का महीना है, मैं कोशिश करूंगी कि एवरी संडे में एक वीडियो डू एंड इट विल बी डिफरेंट, नॉट दिस रेगुलर व्लॉगिंग एंड ऑल। तो अभी मैं जल्दी जल्दी राइस चढ़ा देती हूँ। खाना आने के बाद ना फिर मैंने सब कुछ गरम कर लिया है, एटलीस्ट एक एक मिनट तक मैंने सब कुछ गरम कर लिया है। एंड राय ने ऑलरेडी खाना स्टार्ट कर दिया है बिकॉज इट इज 2:11। हाउ इज इट माँ? राय को ये सब में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? दैट इज दाल ना माँ? राय को दाल सबसे ज्यादा पसंद है, तो हम लोग कुछ भी ऑर्डर देते हैं ना, वी जस्ट एक चिकन एंड ऐसा ही दाल ले लेते हैं। हाउ इज द चिकन माँ? इट्स हार्ड नान? तो राय खा लेगी उसके बाद। यार अंधेरा हो रहा है हम लोग का डेकोरेशन स्टार्ट करते करते, बट चलो यार कोई बात नहीं। अभी तक तो सिचुएशन ऐसा कचरा टाइप ही है, पर बाद में ये अच्छा हो जाएगा। अभी मैं सोच रही हूँ क्या क्या मैं करूँ एक्चुअली, क्या एक मैं बहुत कुछ ऐसा मानती हूँ, मैं जैसे बहुत वियर्ड हूँ, बहुत सारे चीजें ना मैं मानती हूँ, तो मैं ना हर वक्त मानती हूँ लाइक हर साल ना क्रिसमस ट्री थोड़ा इतना भी इंच हो ना बड़ा होना चाहिए, तो ऊपर में कुछ लगाते हैं ना। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने ये खरीदा था, तो उसके उससे पहले साल जो था उससे ये लाइक ट्री को थोड़ा बड़ा बना रहा था। एंड लास्ट टू लास्ट ईयर शायद हम लोगों ने एक नया ट्री ओनली खरीदा था, तो ऐसा ही वो बड़ा हो गया था। तो इस साल तो और कुछ हुआ ही नहीं। एंड लास्ट ईयर जब मैं सब पैक कर रही थी ना, देन ओनली मैं राय को बोल रही थी, राय इस साल हम लोग दूसरी तरीके से सजाएंगे। तब सबको क्या पता था कि ऐसा हो, लाइक इसी साल मैंने निकाला था जैन पे, तब क्या पता था ये राय। तो मैं सोच रही हूँ कि हम लोग के विलेज के शॉप में जाऊंगी, इफ आई कैन गेट एनीथिंग देन आई विल गेट फ्रॉम देयर। एंड थोड़ा थोड़ा कुछ मैंने अमेजोन से खरीदा है, लाइक वेरी सिंपल सिंपल चीज। तो जैसे कि मैंने यू नो किचन के लिए दिस आर फॉर द वो फ्रिज का हैंडल का कवर, सी इट इज सो क्यूट। ऐसा तीन का सेट में है ये, और एक
खाना खाना खत्म एंड मैं और राय अभी अपने विलेज के स्टोर में जा रहे हैं वो क्लिप लाने, क्लिप ना हुक बोलते हैं, हुक लाने। एंड ओह माय गॉड बहुत ज्यादा ठंडा है। मम कम इन। ओह माय गॉड हाउ कोल्ड इज इट यार। एंड मैं ऐसा ही, मैंने जो ड्रेस पहना था मैं वो पहन के ही आ गई। लोगों का शॉपिंग खत्म है। आज क्या हुआ, हम लोग गाड़ी से उतरे हैं ना, तो राय ने तो मास्क पहना हुआ था क्या इन द कार, तो राय कार से मास्क पहनी हुई, तो मैं राय को देख रही हूँ। दिस इज माई कार ना। हाँ मुझे हर वक्त लगता है ना, अरे मेरा कार तो सफेद है, मैं भूल जाती हूँ कि अभी तक हम मैं गई नहीं इंस्पेक्शन के लिए। मामा ओपन, मामा ओपन। फिर मैं ना शॉप के सामने जा रही थी, देना फिर अरे कुछ तो एक मिसिंग लग रहा है, मैंने मास्क पहनना ही भूल गया, लाइक मैं भूल गई थी, बट जो भी हो याद आ गया फिर मुझे। ऐसे भी यहाँ पे दे वोंट अलाउ यू टू एंटर आल्सो, एंड जस्ट इमेजिन अगर आप मास्क ना पहन के जाए, इट्स सो बैड। शॉमिक बोल रहे थे कि ठीक है तुम लोग आओ फिर मैं क्रिसमस ट्री करूंगा, आई एम श्योर वो सोने चले गए हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ ये तो शॉमिक करेंगे हैं, जाम जानता हूँ। व्हाट ही वाज स्लीपिंग, नो ही वाज स्लीपिंग। तो ये शॉमिक का डिपार्टमेंट है एंड मैं और राय हम लोग फुल ओ तो ये शॉमिक बोल रहे, अरे बाहुबली बन गए तुम। तो शॉमिक बोल रहे ये एक्चुअली काफी इजी है। अब हमारे पास जो एक्ट है क्रिसमस ट्री है, वेयर इज दैट पुराना वाला, वी हैड वन मोर ना बिफोर दिस वन, वो ओ हम लोगों ने क्या किया, और एक हम लोगों का है, यू वॉन्ट टू पुट मा इन, एटा हमने लास्ट टू लास्ट ईयर किने छिलम ना, या इसमें एक या दिस इज वेरी गुड, क्योंकि ना अगर हम लोगों के पास जो पुराना था ना लाइक उसमें या उसमें ना लाइट नहीं था, या सी खुद ही हो जाता है, बहुत इजी। एंड दिस इज द लास्ट वन, दिस इज मार्थास विनियर्ड, या दिस इज मार्थास मार्था लिविंग नॉट विनियर्ड, वो तो एक जगह का नाम है। तो यही एक सबसे अच्छा बात है, एंड लाइट लगाया हुआ है ना, नहीं तो क्रिसमस ट्री पे अगर आप खुद लाइट लगाएंगे ना तो इतना ना यूनिफॉर्मली नहीं होता है। एंड कोई भी फेस्टिवल का मजा मुझे हर वक्त लगता है तभी आता है, जब सब लोग एक साथ मिलके काम करें, जितना बड़ा या जितना छोटा डेकोरेशन हो फुल फैमिली मिलके एक साथ करे, उसी में असली मजा है। तो शॉमिक का काम बहुत जल्दी ही खत्म हो गया, मुझे एक्चुअली इतना पता नहीं था कि ये ट्री लगाना इतना आसान है, ऐसे क्योंकि लाइट्स लगाए हुए है ना तो इट्स वेरी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं तो खुद लाइट लगाओ ना तो इतना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, एंड फिर आपको लाइट एंड ऑल लगाना पड़ता है। तो अभी राय का काम शुरू होता है, बिकॉज क्रिसमस ट्री मुझे लगता है ऑर्नामेंट्स के बिना अधूरा है। या दैट राय You will wanna do, right? Yeah, because Rai ने बोला था Rai करेगी, and Shomik का काम खत्म। वाह, सबसे आसान काम था यार, Shomik का काम भी खत्म, and मैं फिर बाकी का everything I'll do the decoration। तो चलो Rai, okay, yeah, Rai अभी Rai भी पीछा छुड़ा रही है, Rai बोल रही है she is just doing the tree, okay, सबसे बड़ा काम ornament लगाना है, तो इतना सारा go sit down and let's put तो अभी फुल एनर्जी के साथ काम चल रहा है यहाँ पे, राय सब ऑर्नामेंट्स लगा रही है, जो ऐसा लगता है छोड़ो लाइक इजी लगता है पर एक्चुअली बहुत सारा टाइम चला जाता है ना मामा ऑर्नामेंट्स लगाने में। यू क्रिसमस ट्री ना जितने सारे ऑर्नामेंट्स हो मुझे लगता है उतने ही देखने में अच्छे लगते हैं,
तो ये ड्यूटी इस बार राई करेंगे, इस बार मैं सबको सुपरवाइज कर रही हूँ। नहीं यार, एंड शौमिक बाहर का लगा रहे हैं, वो बहुत ठंडा है आज, बाहर का कर रहे हैं, एक बार हो जाए तब मैं दिखाऊंगी। पर मैं सच्ची बात बताऊं तो ये जो क्रिसमस का लाइक डेकोरेशन एंड ऑल करने का आइडिया है ना, ये एक्चुअली शौमिक का ही एंथू सबसे ज्यादा था। आई रिमेम्बर हम लोग जब पुराने हम लोगों के रेंट के अपार्टमेंट में, तब तो राय कितनी छोटी थी ना, तब हम लोगों के वहां पर जब व्हेन शी वाज अराउंड 2 ईयर्स ओल्ड, तब ऐसा छोटा छोटा लाइक छोटा क्रिसमस ट्री हम लोगों के पास था। ये डाइनिंग टेबल पे मुझे लगता है मैंने, हम लोगों ने कम खाया है उससे ज्यादा मैंने सजाया है। तो अभी क्रिसमस थीम कर रहे हैं, यानी एवरीथिंग विल बी क्रिसमस रिलेटेड। सेंटर टेबल का भी मैंने सारा डेकोर चेंज कर लिया है। फ्रिज होल्डर्स के कवर्स काफी क्यूट है एंड क्वालिटी भी अच्छा ही है। तो ये एक का सेट में 3 आया था एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स ना जो नया है मैंने अमेज़न से खरीदा है। तो बाहर को इस बार हम लोगों ने बहुत ही सिंपल सजाया है, रीजन क्योंकि बहुत ठंडी था आज। एंड हाँ, वेलकम टू माय होम। जैसा भी सजाए ना, मुझे लगता है कि हम लोग बहुत दिल से सजाते हैं, सब लोग मिलके सजाते हैं। एंड क्रिसमस में है तो फायरप्लेस के सामने में स्टॉकिंग्स होना ही चाहिए। Wonders of life got the prettiest sight for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree. So finally decoration is over and काफी अच्छा लग रहा है। Like Christmas में मुझे लगता है ना, there should be light and कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ it brings a lot of positivity. तो क्रिसमस ट्री जैसा हम लोग हर साल सजाते हैं उसी तरीके से हम लोगों ने सजाया। एंड जनरली ट्री पे ना हम लोग हर वक्त कैंडी कैन रखते हैं, सपोज अगर राय की कोई दोस्त एंड ऑल आए तो वी कैन गिव देम कैंडी कैन। कोई बात नहीं, इस बार कोई नहीं आएगा, फिर भी मैंने राय को बोला यार तुम कैंडी कैन खरीदो, राय को खाना बहुत पसंद है। बार ना मुझे सबसे अच्छा ये डाइनिंग टेबल का डेकोरेशन लगा बिकॉज ऑफ दिस मैट्स एंड रनर, सब मिला के ना कॉम्बिनेशन इतना अच्छा हुआ है। कॉम्बिनेशन क्या है, सब तो दोनों ही मैचिंग है एंड आई एम वेरी लकी कि मुझे दोनों मैचिंग मिल गया। मैं जब देख रही थी ना, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि लाइक मैंने ऐसा कुछ प्लान भी नहीं किया था कि मुझे मैचिंग मैट्स ही चाहिए। पहले मैंने रनर खरीदा एंड ये सब मैंने अमेजन से ही खरीदा है। तो पहले मैंने रनर खरीदा, रनर एक्चुअली इट्स रियली ब्यूटीफुल। एंड उसके साथ फिर मुझे मैंने देखा कि ओके मैं ऐसे मैट्स ढूंढ रही थी, फिर मुझे मैट्स भी मिल गया। पर मुझे लगता है ना ये मैट्स थोड़े छोटे हैं कंपेयर टू माय डाइनिंग टेबल का जो साइज है, और थोड़े यू नो आई थिंक सो 2 इंच बड़ा होता तो काफी अच्छा लगता, क्योंकि मेरे जो नॉर्मल के मैट्स है उससे काफी छोटे है। सपोज ये रहा नॉर्मल का मैट एंड सी इसका साइज काफी छोटा है, पर चलो यार होगा, ऐसा देखने में तो अच्छा लग रहा है। एंड हाँ, ये रेलिंग को अगर हम लोग कोई भी फेस्टिवल पे डेकोरेट ना करें ना, तो मुझे लगता है कंप्लीट लुक नहीं आता है। एंड ये बहुत सब कुछ ही बहुत ही सिंपल है। चलिए आज एक बार भी टाइम नहीं दिखाया ना आप सबको, फिर आप लोग गुस्सा हो जाएंगे। तो नाउ द टाइम इज 7:45 एंड राय एंड शौमिक नीचे में एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं राय के लिए क्या बनाऊ, लाइक लंच बॉक्स के लिए क्या दू। एंड हाँ, क्रिसमस ट्री मुझे लगता है
प्रेजेंट के बगैर अधूरा लगता है, तो देखते हैं इस बार। मैं तो कुछ भी नहीं लूंगी, मैं और शौमिक हम लोग क्रिसमस के लिए, क्या पहले भी हम लोग कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि क्रिसमस में प्रेजेंट एंड ऑल देना ही पड़ता है। दिस ऑल थिंग्स हम लोग करते हैं, यू नो, बच्चों के लिए करते हैं, क्योंकि हर एक चीज मैंने नोटिस किया है, जो लोग पेरेंट्स, एवरी वन विल एग्री विथ मी, कि बच्चों लोगों को ना, वो लोग को, दे डोंट वांट क्वालिटी, दे वांट क्वांटिटी, वो लोग को क्वांटिटी ज्यादा चाहिए। पास्ता मुझे लगता है कि प्रेशर कुकर में ही सबसे जल्दी होता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप में से किसी ने मुझे ये आइडिया दिया था। तो हर साल ना राय पिक्चर लेती है, ओके, एंड इंडिविजुअली वो एक एक पिक्चर लेती है। तो आज पहले शॉमिक का उसने लिया, एंड उसके बाद क्या हुआ कि उसका वो फिल्म, व्हाट इज दिस कॉल्ड, मां, फिल्म खत्म हो गया। मैंने वहां पे पोज डाल दिया, फिल्म खत्म हो गया। देखिए शॉमिक कैसा मैसेज, शॉमिक हाउ डिड इट, This is last to last one, I think so. Yeah, last to last. Yeah, I think मुझे लगता है ये last to last year का है, because last year हम लोगों ने नहीं किया था, तब हम लोग उसके बाद ही इंडिया जा रहे थे, तो वो एक एक्साइटमेंट अलग था, एंड शॉमी का अच्छा ही आया है, एंड फिर मेरा और आई का कुछ भी नहीं। तो चलो, यू आर लकी। एंड राय के लंच बॉक्स के लिए ना मैं बहुत इजी पास्ता बना के देती हूँ। आई जस्ट एड सम पास्ता सॉस, एंड यहाँ के पास्ता सॉस बहुत ही डिफरेंट वेराइटीज के मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑलिव ऑयल में मैंने थोड़ा पास्ता सॉस ऐड किया, एंड अभी मैंने मैक्रोनी ऐड कर दिया है। तो इसमें ना मैं चीज एंड ऑल बिल्कुल ऐड नहीं करती हूँ। अभी मैं थोड़ा अनियन पाउडर, थोड़ा गार्लिक पाउडर, एंड लिटिल बिट ऑफ एट द एंड में थोड़ा रेड चिली फ्लेक्स ऐड करूंगी। मैंने थोड़ा ऑलिव्स ऐड किया है, दैट्स इट। लंच बॉक्स बन गया ना राय के लिए, आई एम सो लाइक, ऐसा लगता है ना, उफ, थैंक्स गॉड। कल मॉर्निंग तो मुझे ये टेंशन नहीं है कि लंच बॉक्स में क्या देना है, एंड मैं अभी यहाँ पे ही रख दूंगी, फिर सुबह होके ना आई जस्ट वांट दिस ओनली। एंड अभी भी मैं क्या बोल रही हूँ यार, ऐसा भी बाहर में इतना ठंडी है ना, आज इट इज माइनस, मेरा मशीन बंद हुआ, ये मशीन बहुत बुढ़ा हो गया है ना, तो इसका साउंड थोड़ा ज्यादा होता है। तो आज -4 degrees Celsius था, एंड हाँ, आप लोग बहुत जन गुस्सा हो गए थे कि मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं मेरे, तो मैंने पहले से ही बोला यार, यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, अगर मैं सबके सवाल का जवाब दे दूं तो वो वीडियो कभी भी खत्म नहीं होगा, एंड मैं अभी तक भी कर रही हूँ। तो मैंने यू नो रेंडमली मैंने कुछ पिक किया, एंड हाँ, कोई कोई जैसे कि मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, ऐसे आई एम ए क्रिएटर, मैं ऐसा सोचती हूँ कि हाँ, आप लोगों को मजा आना चाहिए। इफ आई फील कि हाँ, आप लोगों को मजा नहीं आता है, तो वो देखने में कोई मजा नहीं है, यू नो। तो जब मैं एडिट भी करती हूँ, दिस इज मे बी जो लोग, यू नो, दोज ऑफ यू आर न्यू यूट्यूबर्स, क्योंकि मैं इस लाइन में थोड़ा मेरा एज हो गया है, तो आई विल से यू, व्हेनेवर आई एडिट ऑल्सो ना, मैं इस तरीके से एडिट करती हूँ, लाइक एडिट करने के बाद आई सी माई सेल्फ एज ए ऑडियंस, तो मैं देखती हूँ कहाँ पे, जहाँ पे मुझे लगता है ना कि वो मजा नहीं आ रहा है, तो मैं वो छोटा छोटा करके एडिट कर देती हूँ। एंड हाँ, किसी ने मुझे पूछा था कि राय जो मुझे देखती है, क्या उसको ऐसा मन होता है दैट शी वॉन्ट्स टू बिकम ए यूट्यूबर, तो अभी तो राय का स्टेज अलग है, पर एक बात बहुत सच्ची है, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विल राइट इट, कि हम लोग बच्चे लोग ना, मुझे लगता है बहुत ही कम बच्चे लोग अपने मम्मी पापा से इन्फ्लुएंस होते, बोलते हैं ना, घर की मुर्गी डाल बराबर, मुझे लगता बहुत ही कम बच्चे लोग होते जो ऐसा देखते हैं, बोलते हैं, ओ, मुझे तो ये बनना है अपनी मम्मी के जैसे, मुझे तो ये बनना है अपने पापा के जैसे। मुझे क्या पता राय क्या होगी, अभी उसका एज नहीं है, नाउ लेट हर डू हर स्टडीज एंड ऑल। मैंने राय को हर वक्त बोला है कि तुमको जो बनना है बनो, बट या एट द एंड ऑफ द डे, यू नो, एस्टेब्लिश योर सेल्फ, तुम अपने पैर पे लाइक खड़े होना जो बहुत जरूरी है, तो उसको जो बनना है वो बनेगी। शो में एक क्या टॉमिक बोल भी, इसका डॉक्टर बनना है। टॉमिक इज टिपिकल इंडियन, मैं बोलूंगी फादर। एंड
एंड आप सबको तो समझ में आ चुका ही होगा कि ये नेक्स्ट डे है, तो आज सोमवार है एंड राय ऑलरेडी स्कूल भी चली गई है एंड अभी टाइम हो रहा है इट्स 9:01। तो आज मैं और नहीं गया, आज ना मेरा तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं है, तो शॉमी की राय को ड्रॉप करने गए थे एंड बहुत ठंडी लाइक पड़ चुका है यार आज। आई थिंक सो द टेम्परेचर नाउ इज -4 डिग्री सेल्सियस एंड ठंडियों के मौसम में ना मुझे ऐसा अभी मन कर रहा है ना कोई मुझे ऐसा गर्मा गर्म यू ना आलू का पराठा, नहीं तो गोभी का पराठा बना के दे, खुद नहीं बनाई यार, खुद बना के खाने में ना ट्रस्ट मी जो लोग बनाते हैं एवरीवन विल एग्री कोई मजा नहीं है। खाना बना के ना दूसरों को खिलाने में मजा है, पर खुद बनाओ यू नो एंड फिर खाओ इतना मजा नहीं आता है, बट क्या कर सकते हैं। लाइक कुछ गर्मा गर्म खाने का मन कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना वो सांबर के साथ इडली नहीं तो डोसे वो खाने का मन कर रहा है। एंड हाँ मैं देख रही थी अभी कमेंट पे आप सबको साड़ी बहुत पसंद आया एंड कोई कोई बोल रहा था कि पायल तुमने गलत पहना, नहीं ये साड़ी ना आई थिंक सो अब दो लाइक ऐसा लाइक आप दोनों तरफ से ही पहन सकते हैं, अगर जैसा शिल्पा शेट्टी ने पहना अगर मैं उस स्टाइल में पहनूँ ना तो जो आंचल रहेगा वो अंदर चला जाएगा क्योंकि नो शी इज टॉल इसलिए मे बी शी चूज वेयरिंग इन दैट वे, पर जो वो लोग के वेबसाइट में है वैसा जैसे मॉडल ने जैसा दिखाया है दैट वॉज द स्टाइल लाइक मैंने उसी तरीके से पहना था। बहुत ज्यादा ठंडा है यार। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पसंद आया है मेरा क्रिसमस का लुक तो एक लाइक देना एंड जो लोग पहली बार देख रहे हैं इफ यू लाइक माई चैनल प्लीज फील फ्री टू सब्सक्राइब। सो चलो बाय बाय।